नमस्कार, आप देख रहे हैं तीर्थ यात्रा ऑनलाइन और मैं हूं दीपक मिश्रा। आज हम यात्रा करेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी की। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा होने का गौरव प्राप्त स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी तट पर स्थित है। यहां जाने के लिए हम सबसे पहले केवड़िया स्थित टिकट काउंटर पहुंचते हैं। सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक यह खुला रहता है, लेकिन याद रखें कि प्रत्येक सोमवार को यह बंद रहता है। टिकट काउंटर सुबह 7:30 बजे ही खुल जाता है। मैंने भी टिकट ले लिया है। काउंटर से कुछ दूरी पर स्टेचू तक जाने वाली बसें लगी हैं। अब केवल बस में सवार हो जाना है। मेरे बाद बस में 5-7 और पर्यटक आ गए। बस खुल गई। यहाँ की बसें पूरी तरह वातानुकूलित हैं, साथ ही काफी आरामदायक भी। बस से उतरते ही आंखों के सामने मनमोहक दृश्य होता है। समीप एक तरफ शांत नर्मदा जी अनवरत रूप से बह रही हैं, वहीं ठीक सामने लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य प्रतिमा है। आलम यह कि लोग तुरंत कैमरा व फोन निकालकर इन दृश्यों को हमेशा के लिए समेट लेना चाहते हैं। आगे बढ़ने पर हम स्टैचू परिसर में प्रवेश कर जाते हैं। प्रारंभ में ही एक शिलालेख पर इस प्रतिमा का विवरण दिया गया है। परिसर बहुत बड़ा है। यहाँ तरह तरह के लगे पौधे आपको आकर्षित करते हैं। आगे बढ़ते हुए आप वहां पहुंचते हैं जहां आपका टिकट चेक होता है और आपको एंट्री मिलती है। यहां से प्रतिमा को देखना एक अनुपम अनुभव है। आसपास मनमोहक प्राकृतिक नज़ारा, सामने विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा तथा निरंतर बज रहे देशभक्ति गीतों को सुनना एक सुखद एहसास है। पर्यटकों के सुविधार्थ एलिवेटर लगाया गया है ताकि पैदल न चलना पड़े। एक जगह खड़े होकर प्राकृतिक व कृत्रिम मिश्रित नज़ारों का आनंद लेते हुए प्रतिमा की ओर बढ़ें। जैसे जैसे प्रतिमा की करीब जाते हैं, प्रतिमा को और करीब से निहारने की तीव्र इच्छा मन में जागने लगती है। सबसे अंत में आप डेक पर जाते हैं, एकदम चरण के करीब। यहाँ से दूर दूर तक नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ तक कि नर्मदा की जलधारा में होने वाली छोटी सी हलचल को भी आप स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। सच कहा जाए तो इस अनुभव को यहाँ आकर ही समझा जा सकता है। शब्दों व तस्वीरों के माध्यम से उस अनुभव को महसूस कर पाना बहुत मुश्किल है।
चिल्ड्रेन न्यूट्रिशन पार्क, सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर नौका विहार, बटरफ्लाई गार्डन, एकता नर्सरी, केक्टस गार्डन आदि कई अन्य आकर्षण के केंद्र हैं जिन्हें देखना एक शानदार अनुभव होगा। पूरा घूमने में कम से कम 6 घंटे का समय लग जाएगा। क्या न करें, यहाँ ज़्यादा सामान लेकर न जाएं। आवश्यक सामग्री यथा दवाई आदि ले सकते हैं। बाहर का खाना ले जाना मना है, तो किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ ले जाने से बचें। गैलरी देखने के लिए आप उसी समय जाएं जो समय का स्लॉट आपके टिकट पर लिखा है। कैसे पहुँचें, सूरत, व्यारा समेत गुजरात के मुख्य शहरों से नियमित रूप से बसें चलती हैं। निकटतम रेलवे स्टेशनों की बात करें तो बड़ोदरा स्टेशन 91 किलोमीटर, सूरत रेलवे स्टेशन 156 किलोमीटर तथा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की दूरी 198 किलोमीटर है। इन स्टेशनों से कैब बुक कर भी आ सकते हैं। वहीं निकटतम हवाई अड्डों की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट अहमदाबाद, वडोदरा एयरपोर्ट व सूरत अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नज़दीक के हवाई अड्डे हैं।